परिस्थितियां भी ले आती हैं बीमारी दूर करने के लिए, तकलीफ दूर करने के लिए, मानसिक तकलीफ, शारीरिक तकलीफ दूर करने के लिए लोग ऐसे समय पर ऐसे स्थानों पर आते हैं। चलेंगे वहाँ तो शारीरिक कष्ट में, मानसिक कष्ट में आराम मिलेगा। ये सब जो भी कष्ट होते हैं कर्मों की वजह से होते हैं। कर्म कुछ शरीर से बनते हैं, कुछ दूसरों के भी कर्म आ जाते हैं। जब दूसरों का कर्म अन्य शरीर के ऊपर, जब आदमी के ऊपर आ जाता है तो शरीर से मानसिक तकलीफ झेलना पड़ता है। चाहे साधारण आदमी हो और चाहे संत सदगुरु हो, चाहे अन्य समय की औपचारिक शक्तियाँ हों, सबको अन्य तकलीफ झेलनी पड़ती है। अब ये जरूर है कि जब ये चीज़ समझ में आ जाती है कि भाई कर्मों से कैसे बचा जाए, कर्म कैसे ना हो, जब ये चीज़ समझ में आ जाती है कि कर्म को कैसे काटा जाता है, तो वो कर्म कट जाते हैं। जैसे आँख में धूल यानी पड़ गई, धूल यानी जब तेज हवा में उड़ी और आँख बंद नहीं कर पाए, आँख में पड़ गई और यह तरीका मालूम हो गया कि मुँह में कुल्ला लेकर के पानी का और पानी के छींटे धीरे से आँख में मार दो तो धूल कट कंकड़ी से निकल जाएगी, आँख साफ हो जाएगी। ऐसे ही अंदर वाली आँख के सामने, अंदर वाले कान के सामने अन्य कर्मों का पर्दा जब आ जाता है तो अंदर की आँख और कान अन्य बंद हो जाते हैं, मालिक का दर्शन नहीं होता है। जब लोगों का आँख कान खुला रहता था पहले के समय में, मालिक का दर्शन होता रहता था, तब हर चीज की जानकारी होती थी कि भाई अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बुराई से कैसे बचे और अच्छाई ही अपने अंदर किस तरह से रखें। लेकिन अब जब समय बदला, कलयुग जब आया तो कलयुग में जब दर्शन होना बंद हो गया तब सत्संग को ज़्यादा महत्व दिया गया कि सत्संग जब सुनोगे तब इस चीज़ की जानकारी होगी कि कर्मों से कैसे बचा जाए और कर्मों को कैसे काटा जाए। तो अन्य समय लोग के सत्संग भी अन्य सब लोगों को नहीं मिल पाता है, लेकिन यह है कि यही बात अगर लोगों को बता दिया जाए कि भाई खान पान अपना सही रखो, विचार भावना अपनी सही रखो और अन्य भजन करते रहो, अब कहीं अगर उसमें गड़बड़ी आ भी गई तो
आने समय लो भजन करते रहोगे, ध्यान करते रहोगे, तो आने उससे कर्म करते रहेंगे। भजन ध्यान में मन नहीं लगता है तो समझना चाहिए कि कर्मों का ही चक्कर है, कर्मों का ही बोझा आगे नहीं बढ़ने देता है, तो उन कर्मों को फिर काटने का प्रयास करना चाहिए। किस तरह से? यानी शरीर से, मन से और धन से, इसी से पाप होता है। तो यानी सबसे ज्यादा यानी पाप किससे होता है? शरीर से होता है। तो शरीर से सेवा करना चाहिए, जो जैसे जिसके लायक सेवा होती है उसको उस तरह से यानी सेवा करनी चाहिए। शरीर से सेवा करेंगे, मन से सेवा करेंगे, तो उस तरह का जो पाप होगा यानी कर्म होंगे वो कटेंगे, कटेंगे तो शांति मिलेगी। शरीर के ऊपर जो बीमारियाँ अन्य समय लोग की कर्मों की वजह से आती हैं उससे भी यानी राहत मिलेगी। तो यहाँ पर आने से अन्य समय लोग हर तरह से अन्य लोगों को साधना शिविर में या सत्संग में आने से लाभ मिलता है। तो बहुत से लोग यानी बहुत तरह की इच्छा लेकर के यानी आते हैं। जब यानी कहा गया कि जब पुनरुदय होता है तब सत्संग मिलता है, पुनरुदय होता है तो ऐसा अवसर जीवन में आता है। इतने लोग यानी समय लोग सामूहिक रूप से बैठ करके यानी आप भजन करते हो, तो कुल मिला करके यानी आप लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और कृपा के आप गुरु महाराज के यानी पात्र बने। तो अभी तो ये कार्यक्रम चलेगा, 10 दिन चलेगा, इधर दौरा किया, मेहनत ज़्यादा पड़ गई, यानी समझ लो तो 250-250 किलोमीटर तक चलना और समझ लो कि कार्यक्रम करना, यानी किसी किसी दिन तो 5-5 कार्यक्रम दिन भर में, और जगह जगह पर लोगों से मिलना जुलना, समस्याएं उनकी सुनना, और बड़े बड़े कार्यक्रम किए गए। तो शरीर के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ गया, तो तबीयत कुछ नरम थी, परसों ज़्यादा नरम थी, कल कुछ ठीक हुई, आज भी ठीक है, गुरु महाराज दया होकर एक दो दिन में ठीक होगी तो कुछ और आपको सुनाया जाएगा। अब यह दौरा करने से आने समय लोग एक लाभ ये हुआ मिलने जुलने से और कहने सुनने से कि आने समय लोग आपका जो मिशन चल रहा है, गुरु महाराज जो मिशन को छोड़ करके गए धरती पर शत्रु को लाने का, आने समय लोग मिशन जो छोड़ करके गए उस काम में आने दौरा करने से समझाने बताने से आप देखो मदद मिलेगी। देखो बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पर प्रचार प्रसार अपना ज़्यादा नहीं हो पाया है, जैसे दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत में आपके थोड़े बहुत तो हैं इक्का दुक्का कहीं, लेकिन समझ लो कि यानी कुछ स्थान ऐसे भी हैं कि जहाँ पर मतलब यह है कि प्रेमी नहीं भी हैं। अब यह है कि उधर अगर प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा, दौरा नहीं किया जाएगा, नामदान के बारे में बताया नहीं जाएगा, नामदान दे करके उनको नहीं कराया जाएगा, तो वो बेचारे अनभिज्ञ रह जाएंगे, नहीं जानकारी में गलत काम में फंसे रह जाएंगे, तो उनको कुदरत सजा भी दे सकती है। अरे तो कर्मों की सजा का जब विधान ही बना दिया यहाँ तो सजा मिलेगी ही, तो बेचारे अकाल मृत्यु में जा सकते हैं। इसलिए अन्य बचाने के लिए जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए अन्य इस तरह के अन्य काफिले जैसे अभी आपका निकलने जा रहा है, गुरु महाराज भी निकाला करते थे, अन्य समझ लो 80-80 दिन का, 90-90 दिन का काफिला गुरु महाराज ने निकाला, 50,000 अन्य की भीड़ जगह जगह, अन्य को सुनने वालों की, को साथ वालों की, अन्य समझ लो कि गुरु महाराज ने अन्य समझ लो अन्य इकट्ठा करके और सत्संग सुनाया और प्रेमियों को लोगों को ये दिखाया कि भाई ये जो है प्रेमी है गुरु महाराज के, और प्रेम में देखो ये लगातार इतने दिन तक अपनी सवारी से और अपने साधन से चल रहे हैं, उसमें अन्य दिन के पास कोई 4 पहिए 2 पहिए की तेज चलने वाली मोटर गाड़ियाँ नहीं थी, साइकिलों से लोग गए, हाँ समय लोग उसमें अन्य समय लोग के 14-14 प्राण 12-12 प्राण अन्य लोग साइकिलों से घूम करके आए, 100-100 किलोमीटर रोज लोगों ने साइकिलें चलाई,
दया तो गुरु महाराज की थी, किसी ने कुछ यह महसूस नहीं किया कि हमने चलाया साइकिल इतना। अरे साइकिल तो बोले बैठ जाता हूँ तो पैदल अपने आप चलती रहती है, इतनी दया थी। लेकिन निमित्त मात्र तो वो बने अन्य उस प्रचार प्रसार के कार्यक्रम में। तो देखो काफिला निकलेगा, अभी 7 तारीख को जनवरी में काफिला निकलेगा, और आपके मध्य प्रदेश में और उधर आपके यानी महाराष्ट्र में और कर्नाटक में और फिर तमिलनाडु में और फिर आंध्रा में, और आंध्रा के बाद फिर इधर महाराष्ट्र में वापस आएगा, और फिर उसके बाद आपके उधर छत्तीसगढ़, इन प्रांतों में काफिला जाएगा। प्रोग्राम सब बन रहे हैं, कितने दिन का होगा ये सब अभी आपको मालूम हो जाएगा। और प्रेमी सब लोग तैयारियां करने लग गए, खबर धीरे धीरे हो गई। जिनको खबर नहीं है आप लोग खबर कर दीजिए कि काफिला निकलेगा, अपने अपने साधन सवारी से यानी उस काफिले में यानी लोग चल सकते हैं। और उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई, तो उधर जहाँ पर यानी समय लोग के प्रेमी कम हैं वहाँ टीमें जाएंगी। अब देखो अभी उधर में गया था तो मीटिंग किया लखनऊ में, तो देखो ये बहादुर लोग आ गए। अन्य समझ लो कि 10-11 गाड़ी आ गई, 10-11 टीम आई, इनको 2 दिन का भी मौका नहीं मिला। हरे रोहे लोग जैसे फौज में बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं, और जैसे इशारा हुआ फायलिंग होने का तो बस फायलिंग हो गए। परसों ही आ गए, 16 तारीख को मीटिंग हुई, और बस 17 बहुत से लोग तो 18 को ही चल दिए होंगे, और फिर ये आ गए। तो देखो प्रेमी आपको तो जाना था, यानी समय लोकल भी भेजा जा सकता था, आप तैयार भी इस तरह से थे, लेकिन हमने कहा एक दिन यहाँ थोड़ा साधना कर लेंगे, ठीक रहेगा साधना शिविर के पहले दिन साधना कर लेंगे, तो कल अब आपकी रवानगी हो जाएगी। कल आपका मुहूर्त यानी बन रहा है जाने का वहाँ, अब वहाँ आप जाइए, व्यवस्था प्रचार प्रसार और जो भी जैसा यानी वहाँ आपको करना है उस हिसाब से आप लोग यानी वहाँ पर जा करके करिए। उसका निर्देश कुछ यहाँ से मिल जाएगा, कुछ वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं उनसे मिलेगा। अब ये जरूर है कि वो एक तरह से नई जगह रहेगी, एक तो भाषा का भी वहाँ दिक्कत रहेगा, भाषा यानी समझ लो आपके तो लोग समझेंगे लेकिन उनकी भाषा समझने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कोई ना कोई मिल जाएगा, माध्यम कोई ना कोई बन जाता है सब जगह। फिर भी हम ये चाहते हैं कि व्यवस्था इस तरह से यानी ये हमारे साथ यानी जो ज़्यादा समय देते हैं सहयोग में, वो लोग आपको सब व्यवस्था बना करके ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके यहीं से दे दें, और नहीं तो फिर वहाँ पहुँच करके आप बना लीजिएगा कहीं पर अपना यानी वहाँ पर रहने की व्यवस्था बना लिया, और वहाँ से प्रचार प्रसार की जैसे जो रूपरेखा, क्योंकि ये एक रूपरेखा सब जगह की नहीं बन पाती, अलग अलग जहाँ का जैसा हिसाब होता है उस हिसाब से प्रचार प्रसार यानी आपको करने का है। लेकिन कोशिश ये रहे कि जो भी काम हो वो ठोस हो, आदमी आप पकड़ो जिनको, जिनको समझाओ पूरा पक्का करने की कोशिश करो, और ये भी सोचो कि भाई इनसे हमको आगे चल करके भी काम लेना है अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। जिस तरह से हम अन्य समय लोग के समय लगे हुए हैं अपने गुरु महाराज के काम को पूरा करने में, ऐसे ऐसे यह भी अन्य समय लोग ये समझें कि भाई हमको अन्य धरती पर सतयुग का प्रादुर्भाव जल्दी से जल्दी अन्य समय लोग की करना है, इस तरह से पूरी तैयारी होनी चाहिए। अब आपका प्रभाव कैसे पड़ेगा, कब पड़ेगा, जब उनके दिल में आप छा जाओगे, जब उनके हृदय में आपका स्थान बन जाएगा। ऐसे कोई अन्य एक दूसरे का स्थान दिल में नहीं बनाता है, देखता है समझता है और फिर उसके बाद तब उससे प्रेम करता है, ऐसे नहीं। तो आपको अन्य समय लोग के गुरु के बताए हुए रीत नीति के अनुसार चलना है, संत मत की जो रीत नीति होती है उसके अनुसार आपको चलना है, और आपके ऊपर ही शनि वहाँ का यानी बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, तो उसके जो कार्यकर्ता होते हैं उसका संस्था का विकास यानी समझ लो कि उसी के ऊपर निर्भर करता है, कार्यकर्ताओं के ऊपर ही,
इसलिए हमें मुख्य रूप से दो तीन बातों को याद रखने की जरूरत होती है। जैसे लक्ष्मण को उस बंदर ने इशारे में ही समझा दिया था, जीभ दिखाया और इंद्रिय दिखा दिया और बस ये तो देख करके नाराज हो गए। लेकिन जब लौट करके उधर जंगल की तरफ से आए और राम को बताए तो राम ने कहा बस उसने तो सब कुछ आपको समझा दिया, सारा उपदेश दे दिया इसी में कि बस नभ्या और दिव्या पर कंट्रोल रखो, कहीं भी रहो सुखी रहोगे, कोई भी अन्य आपके लिए समस्या नहीं आएगी। तो देखो बोली बानी आपके इस तरह की होनी चाहिए, मधुर भाषा इस तरह की होनी चाहिए कि उसी से लोग प्रभावित हो जाए, उसी से प्रभावित हो जाए। देखो उनकी गाली तो आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन आपकी गाली वो सब समझेंगे क्योंकि आप हिंदी भाषी हो और आप यानी समझ लो हिंदी बोलोगे तो हिंदी सब जगह चलती है। तो इसलिए आपकी बोली बानी और इस तरह की होनी चाहिए कि उससे वो प्रभावित हो जाए। और समझ लो कि लोभ लालच आपके अंदर होना नहीं चाहिए, लोभ लालच करोगे तो उससे भी आदमी का यानी वक़्त जो होता है कम हो जाता है। देखो पूरा सब होगा, होने को सब हो जाएगा, इसलिए मुख्य रूप से आपको ये निशाना बनाना है कि अपने संघर्ष से वो लोग जुड़ जाएं, सुने समझें और अन्य नामदान लेकर के भजन करने लग जाएं, अपने इस मिशन को आगे बढ़ाने में मददगार बन जाएं। ये कोशिश आप सब लोगों को अन्य समय लोग करने की ज़रूरत है। तो अन्य आदमी आदमी को देखता है, परखता है, बोली बानी से परखता है, चेहरे मोहरे से आँखों से परखता है, हाथ पैर के उससे परखता है और जब प्रभावित हो जाता है तब वो समझ लो कि उसी का हो जाता है। अब आप ये समझो कि करीब अन्य समझ लो कि 34-35 साल पहले की बात है, हम लोग गए थे हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पर एक मठ के मठाधीश थे, महंत थे। तो पहले तो कुछ लोग गए तो उनका बड़ा विरोध किया, तो बाद में एक लड़का गया तो खड़ा हुआ, आप जो भी जैसा भी यानी हाथ जोड़ा हो या प्रणाम किया हो या जो हाथ पैर की यानी उनकी जो भी आँख कान की जो गतिविधि रही हो उनको देख करके यानी समझ लो कि वो प्रभावित हो गए। और फिर जब बातचीत होने लगी यानी समझ लो उन्होंने अपने यहाँ जगह दे दिया, पूरी टीम वहीं से ठहर कर प्रचार करने लगी और सुनते सुनते वो भी पक्के हो गए, घुल मिल गए अपने लोगों से। तब वो हम ही लोगों से कहे हम तो कन्हैया की धोती पर मोहित हो गए, धोती पहन करके हो गए थे, कन्हैया उनका नाम था, बोले हम तो कन्हैया की धोती पर मोहित हो गए। यानी तो आप समझ लो कि उन कन्हैया लाल के धोती कपड़े से ही यानी समझ लो कि उनके ऊपर गुरु महाराज की दया होनी थी, लेकिन वो धोती जो पहने हुए था यानी समझ लो खाली धोती कहीं लटका दो तो कोई क्या मोहित होगा, लेकिन जो पहने हुए थे उनसे वो प्रभावित हो गए। ऐसे ही आपको अपना प्रभाव और अपना छाप लोगों पर वहाँ डालने की जरूरत है। तो अभी ये लोग जिम्मेदार लोग अभी मीटिंग करके और आपकी सारी योजना बना देंगे और आपके लिए जो भी जहाँ जैसे व्यवस्था यानी जो भी संभव होगा कर देंगे। और फिर कल जो है आप लोग रवानगी अपनी कर देना यहाँ से। तो यह सब मोटी मोटी बातें ये जो थी थोड़ी सी आज हमने आपको बता दिया। और जो आश्रम पर लोग रहते हो आप ये मत सोचो कि वही भाग्यशाली हैं जो प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, और आप तो ज़्यादा भाग्यशाली हो कि आपको यहाँ समझ लो है कि परमानेंट सेवा मिली हुई है। उनके तो अभी जाएंगे कार्यक्रम खत्म हो जाएगा फिर वापस आएंगे, और आप यानी समझ लो कि वो तो समझ लो कि वहाँ जा रहे हैं यानी किसी को खिलाएंगे, किसी को खाएंगे, किसी को सुनाएंगे, किसी को सुनेंगे, लेना देना उनका वहाँ आता होगा। और आप तो ऐसी व्यवस्था में लगे हुए हो कि आपके पास तो वहीं से लोग आ जाएंगे लेना देना अदा करने के लिए। यानी आप लोग जो यहाँ जो व्यवस्था आप की हो कर रहे हो, देखो जो साधन शिविर में आए या जो लोग अभी आएंगे उनको सब लाभ मिलेगा, सबका लेना देना आपके द्वारा अदा हो जाएगा। आप आश्रम फिर जो लोग रहते हो आप समझो कि आप अभागे नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। आप में जो है
आपके ऊपर गुरु महाराज की ज्यादा दया है तो आप अनुबना पर अपने काम में लगे रहो, एक निशाना पर बनाओ, उनके तो कई निशाने बनेंगे, प्रचारकों के और काफिले में जाने वालों के तो कई निशाने बनेंगे, खुद लोगों के तो ये निशाने रहेंगे कि चलो घूमने ही चलेंगे, पंपा घूमेंगे, रामेश्वरम घूमेंगे, तिरुपति घूमेंगे और नासिक घूमेंगे, यहाँ घूमेंगे, यह सब तीर्थ स्थान पढ़ रहे हैं तो जरूरी से उसमें जो है बैठी गंगा में हाथ धो लें, दोनों काम हो जाएगा, कुछ इस हिसाब से जाएंगे, कुछ इस हिसाब से जाएंगे भाई कि चलो वहाँ कुछ सेवा का शरीर से मौका मिल जाएगा, आने समय लोगों को समझाएंगे बताएंगे, नामदान दिलाएंगे और भजन भी करेंगे, सत्संग भी सुनेंगे, कुछ इस हिसाब से जाएंगे। तो आवाज समझ लो कि तरह तरह के लोग जाते हैं, गुरु महाराज के भी काफिले में जाते थे, हाँ तो हम हमारी तो इच्छा नहीं होती थी कहीं जाने, कभी गुरु महाराज जब कहे थे अरे तुम नहीं गए, तो जब देख लेता था कि कोई है गुरु महाराज के पास और गुरु महाराज को संभाल लेगा कोई जरूरत होगी तो चले भी जाते थे, खोइया नहीं था, ये संकल्प था कि कहीं जाएंगे ही नहीं, लेकिन इच्छा ही नहीं होती, एक निशाना था हमारा। तो ऐसे ही अनिल आश्रम पर भी लोग बहुत से लोग रहते थे, उनका वो था तो सबको अपने में ही यानी जो भी काम भी जाए उसमें आदमी को संतुष्ट रहना चाहिए, दूसरे को देख करके यानी उधर इधर उधर जो है यानी दिमाग को नहीं दौड़ाना चाहिए, मन को लालची नहीं बनाना चाहिए। तो अब आप ये समझो कि साधना से भी चालू हो गई, वे बराबर चलेगी, जिसको जब मौका मिले तब कर लिया करो, सुबह शाम का निश्चित है और दिन में भी 2:30 बजे से और 4:30 बजे तक का निश्चित कर दिया गया, बीच में तैयारियां भी होंगी, यहाँ पर खेती का भी काम है, निर्माण का है, यह है वह विभागों का, और फिर जो है जो साधना से के लिए ही आए हो, शरीर से जहाँ आप सेवा कर सकते हो आपके लायक जिस विभाग में सेवा है सेवा भी कर लो और समय निकाल करके जहाँ आप भजन भी कर लिया करो, आपका समय बेकार नहीं जाना चाहिए, आज समय का पूरा उपयोग आपका होना चाहिए। तो बोलो जय गुरुदेव।